आज तो के जिज्ञासुओं, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से जो आज मैं आपको एक नवीन जानकारी देने जा रहा हूँ, वो आपके मकान के परिसर से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें बताई गई है। देखिए कौन सी स्थिति आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकती है और कौन सी किस प्रकार से हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आपको आपके परिसर को बहुत सावधानी से देखना चाहिए और उसमें क्या क्या देखें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आस पास उस प्लाट के देखो जल प्रवाह, नहर नदी नाले बहे देख दिशा प्रवाह, देख दिशा प्रवाह पश्चिम जा स्त्री की शान, पूर्व हानि पुत्र की बनाए उत्तर धनवान, कैवाणी कविराज करे दक्षिण शत्रु नाश, बना टेंक ईशान फिरे लक्ष्मी आस पास। आसपास उस प्लाट के देखो जल प्रवाह। जो आपका प्लाट है, जो आपने खरीदा है या आपने बना लिया है, जैसी भी स्थितियां जहां भी है, आसपास उस प्लाट को आपको ध्यान से देखना है। और यदि वहां पर पानी बह रहा है, जल का प्रवाह है, वाटर का फ्लो है, पानी बह रहा है, तो देखिए उस पानी के बहते हुए को भी फिर ध्यान से और देखना है। आसपास उस प्लाट के देखो जल प्रवाह, नहर नदी नाले बहे देख दिशा प्रवाह। आपके रेजिडेंशियल मकान के पास से, करीब से या थोड़ी सी दूरी से पर अगर कोई नहर जा रही है या कोई नदी बह रही है, कोई नाला बह रहा है या कोई तालाब है, ऐसी भी कोई स्थितियां हैं तो आपको फिर सावधानी से देखना है, उसकी दिशा को देखना है कि कहाँ से पानी होकर के कौन सी दिशा से होकर के कौन सी दिशा में जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझने की बात है और बारीकी से समझने की बात है। देख दिशा प्रवाह पश्चिम जा स्त्री की शान। अगर पश्चिम दिशा के अंदर पानी का फ्लो है, यानी कि वो उत्तर से होता हुआ पश्चिम दिशा की ओर होता हुआ फिर दक्षिण में जा रहा है, ऐसी स्थिति बनती है, वो स्त्रियों के लिए अशुभ कहा गया है, वो श्रेष्ठ नहीं कहा है। पूर्व पुत्र की हानि, अगर पूर्व दिशा के अंदर पानी जो है उत्तर से होकर के दक्षिण की ओर जा रहा है, ऐसी स्थिति में पुत्र की हानि होने की संभावनाएं बलवान होती है। बनाए उत्तर धनवान, उत्तर दिशा के अंदर अगर पानी है, चाहे वहां पर तालाब भरा हुआ है, चाहे कुआ है, बावड़ी है, या इधर से पानी होता हुआ दक्षिण से पानी इधर पश्चिम में होता हुआ कॉर्नर से कट मार करके फिर आपके इधर उत्तर की ओर जा रहा है, अगर पानी का फ्लो ऐसा है तो वो आपको धनवान बनाएगा, वो आपके धन की वृद्धि करेगा। कहवाणी कविराज करे दक्षिण शत्रु नाश, अगर इत्फाक से दक्षिण दिशा के अंदर पानी है तो वो शत्रु पक्ष बलवान होता है और शत्रु हमारे लिए, फिर उनका बलवान होना हमारे लिए कितना घातक है, ये कल्पनाएँ ये कैलकुलेशन आप स्वयं जानते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहती है। अगर ऐसी कोई स्थितियां आपके सामने बन चुकी है, आप मकान भी बना चुके हैं, मकान बनाने के बाद कोई ऐसी स्थिति बनी है या आपकी जानकारी के अभाव में कोई ऐसी स्थिति बन चुकी है, अब आपको क्या करना है। अगर वहाँ नहर है, नदी है, नाला है, कोई इस प्रकार का पानी का सोर्स है तो उसको तो आप बदल नहीं सकते, अब आप क्या कर सकते हैं। आपको एक ही काम करना है कि आपका जो परिसर है, आपका जो टोटल कैंपस है, उस टोटल कैंपस के अंदर जहाँ भी आपके ईशान कोण बनता है, पूरब और उत्तर का कॉर्नर जहाँ बनता है, उस दिशा के अंदर आप एक अच्छा सा टैंक बनाएं। टैंक उस स्थिति में आप देख लीजिए आपके घर की कैंपस कितना बोलता है, एरिया कितना है, उसके अनुसार आप अच्छा सा बड़ा सा टैंक बना लेंगे तो पानी ही पानी के प्रभाव को समाप्त करता है और कोई नहीं करता है। जैसे आयरन कट्स आयरन,
है ना, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड डायमंड को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। ठीक यही फार्मूला पानी के साथ होता है। पानी के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए हम पानी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ईशान कोण के अंदर आप अच्छा से एक वाटर टैंक बनवा लें, वो जो आपके लिए कांस्टेंट वाटर रहेगा वो पानी जो है उस दूसरे पानी के प्रभाव को नगण्य कर देगा या मिनिमाइज कर देगा, जिससे आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपका व्यवसाय भी चलता रहेगा। आप थोड़ा सा एक एवरेज लेवल से ज़्यादा आप बिलो नहीं जा पाएंगे। वो पानी आपकी मदद करेगा जो ईशान कोण में आपने बनवाया है, वो टैंक बनवाया है और उसमें जो है आपने पानी भरा है। देखिए कभी कुछ लोग टैंक बना देने के बाद भी उस टैंक को खाली रखते हैं, वो ये कहते हैं हमारे तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, ज़रूरत के लिए पानी का ये टैंक नहीं बनवाया आपके मकान के अंदर। मैंने कई मकानों में जा कर के जब वास्तु विजिट के दौरान मैंने देखे हैं कि ये इस मकान के अंदर केवल एक टैंक ही ऐसा है जो इसको बैलेंस में ला सकता है। तो मैंने वहाँ पर टैंक बनाने की सलाह दी, उनको समझाया भाई ये टैंक आपके मकान की यहाँ रहने वाले निवासियों की आवश्यकता के लिए नहीं है कि इतने पानी का हम क्या उपयोग करेंगे। नहीं, पूरे मकान के अंदर जो अनबैलेंसिंग पोजीशन बन चुकी है उसको बैलेंस में लाने के लिए ये पानी आपकी मदद करेगा, और आप यहाँ पर टैंक बनाओ। और कई लोगों ने टैंक बनाए और उन्होंने नए परिवर्तन महसूस किए, नई पॉजिटिविटी महसूस की और नई राहत सुविधा सब कुछ उन्हें मिला, व्यापार में तरक्की हुई, हर प्रकार से उनको कुछ प्रोग्रेस हुई। तो हमें ऐसी स्थिति में टैंक बनाना चाहिए। और यदि आपके पानी की वो प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप ईशान कोण में टैंक बनाएं, वो आपको लाभ देगा, निश्चित रूप से अच्छा लाभ देगा। धन्यवाद।